अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल। आप देख रहे हैं सैक सिस्टम, जहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट। सो आज हमने लेके आए हैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड, जो कि आता है 90,000 की प्राइसिंग के आसपास, जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक प्रीमियम केस, जो कि आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से क्रिस्टल X11, जो कि ग्रीन कलर के अंदर आता है। मतलब लाइक डिफरेंट ग्रीन है ये, जितना जो बॉक्स पे दिखाया हुआ ग्रीन है वैसा नहीं है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन है। एक प्रीमियम कैबिनेट है जो कि तीन टफ एंड ग्लासेस के साथ में आता है, जो कि एक पैरानामा व्यू होता है, जिसमें आप अपने फ्रंट पैनल को भी एक ग्लास पैनल दिया हुआ है, एक क्रॉस पैनल दिया हुआ है एंड एक साइड पैनल दिया हुआ है। बाकी SMPs लगाने के लिए, केबल मैनेजमेंट के लिए एकदम बैक साइड में जगह दिया हुआ है, हाइट स्मॉल है। टॉप पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 360mm का एक रेडिएटर वाला 360mm के कूलर AIO लगा सकते हो। एंड सो इस बिल्ड में हम यूज़ करने जा रहे हैं प्रोसेसर के तौर पे, जो प्रोसेसर आता है AMD की तरफ से, ये 7th जनरेशन प्रोसेसर है, Ryzen 5 7600 प्रोसेसर है ये, जो कि आता है 6-core 12-thread के साथ में, 3.8 बेस मेमोरी है इसका एंड 5.1 इज़ द मैक्सिमम बूस्ट मेमोरी। सो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B650M D3 HP AX, जो कि एक वाईफाई मदरबोर्ड है, इनबिल्ट वाईफाई इसके अंदर आ जाता है। पावर सप्लाई में हमने यहाँ पे यूज़ किया है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 650 वॉट का 80+ RGB एडिशन। रैम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं DDR5 XPG की तरफ से आने वाली 6000 MHz की रैम है, जो कि 1616 की 2 स्लॉट्स यहाँ पे यूज़ हो रही है। मदरबोर्ड में आपको मिल जाता है 4 रैम स्लॉट्स, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2, एंड एडिशनली फ्यूचर में आप और अपग्रेड कर सकते हैं इस PC को। मतलब ये जो PC बिल्ड हो रहा है एकदम फ्यूचर प्रूफ PC है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। SSD के लिए यहाँ पे यूज़ की जा रही है 2TB की XPG की तरफ से आने वाली, A Data XPG की तरफ से आने वाली S70 ब्लेड, जो कि आपको 6600 से लेके 7600 तक की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड दे सकती है। बाकी बिल्ड आपके सामने है। हाँ, कूलर के तौर पे इनका इन्होंने प्रिफर किया था, इनको कूलर चाहिए था, AIO कूलर चाहिए था 360mm इसमें लगाने के लिए, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है डीप कूल की तरफ से आने वाला मिस्टिक 360, एकदम प्रीमियम AIO है विथ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। आगे हम बिल्ड के बाद में देखेंगे कि इसका बिल्ड होने के बाद में ये किस तरीके से दिखाई देता है। सो चलिए बिल्ड करते हैं। हाँ, इसके अंदर दो चीज़ें और यूज़ हो रही हैं, जो कि आती हैं एक स्ट्रिप। सो इसमें यूज़ की जा रही है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली नियॉन ग्लो, 24 पिन और 8 पिन के दो केबल्स। तो 8 पिन का एक केबल यहाँ यूज़ हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ हो रहा है इसके अंदर, तो उसको हम लोग स्पेयर में रखेंगे, फ्यूचर में जब हम अपग्रेड करेंगे ग्राफिक कार्ड के साथ में तो वो केबल वहाँ यूज़ होगी। राइट नाउ एक केबल 24 पिन की और एक केबल 8 पिन की, जो CPU पावर 80X के लिए जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड और देखते हैं किस तरीके का ये बिल्ड बन के रेडी होता है। हाँ, अगर आप भी कुछ इस तरीके का बिल्ड बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने बजट में कुछ PC बनाना चाहते हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है PCHubIndia.com, जो कि यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और सेम प्रोडक्ट की लिंक्स भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो आप जाके अगर वहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपको यहाँ पे हिट हो रहे होंगे नीचे या ऊपर साइड में, तो आप हमें कॉल करके या मैसेज करके, आप उस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बता सकते हैं, जिसको हम आपको प्रॉपर कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं बिल्ड तो कॉल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं PC बिल्ड करना और देखते हैं कि किस तरीके का PC बन के रेडी होता है ये।